देखिए ना, अभी तो बारे हम बोले ना कि मुस्कुराते हुए 30 साल का नौजवान सिर्फ इतना बोल दिया कि अभी खेल बाकी है, सभी का जो है सो हालत खराब है और तमाम लोग अपने अपने विधायकों को जो है पिंजरे में बंद करने का काम कर रहे हैं। बिहार के सब किसी पार्टी के MLA हो, तमाम MLA चिंता में चल रहे हैं। बीच में ही हमारा राष्ट्रीय जनता दल का मीनार इतना ऊंचा है कि लोग जोर घटाव करके और क्या क्या हुआ था सो मालूम है आपको, कर करके हमारे मीनार को नीचा किया गया है कि बिहार के आम आवाम अब वीर तेजस्वी प्रसाद यादव को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाह रही है। महीना 17 महीना का ही मौका अगर हमको मिला है तो 17 महीना ने तेजस्वी यादव में जिन्हें 17 महीना में दिखाने का काम किया है कि सत्ता कैसे चलाई जाती है, बेरोजगारों को रोजगार कैसे दिया जाता है, कैसे गरीबों को स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार किया जाता है, स्वास्थ्य लाभ दिया जाता है, कैसे शिक्षा व्यवस्था सुधार होती है, इन तमाम चीज़ों को उन्होंने साबित करने का काम किया है। नमस्कार, मैं हूँ राजेश रंजन और आप देख रहे हैं फर्स्ट लुक बिहार। आज हमारे साथ उपस्थित है बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और कांटी के विधायक इसराइल मंसूरी साहब। अभी कुछ दिन पहले तक ये लोग सरकार में थे, अभी विपक्ष में बैठने वाले हैं, लेकिन इनके पार्टी का मानना है, इन लोगों का कहना है कि अभी खेला बाकी है, अभी खेला होगा। तो आज हम इसे जानना चाहेंगे कि क्या खेला होगा 12 फरवरी को नीतीश सरकार का, NDA के सरकार का फ्लोर टेस्ट है, उसमें क्या खेला होगा, क्या ये लोग खेला करेंगे, उस संबंध में हम इनसे जानकारी लेना चाहेंगे। देखिए ना, अभी तो बारे हम बोले ना कि मुस्कुराते हुए 30 साल का नौजवान सिर्फ इतना बोल दिया कि अभी खेल बाकी है, सभी का जो है सो हालत खराब है और तमाम लोग अपने अपने विधायकों को जो है पिंजरे में बंद करने का काम कर रहे हैं। आपको भी कोई टास्क मिला है विधायकों से बात करने का? राष्ट्रीय जनता दल का विचारधारा से लैस MLA है और उनको कोई टास्क की भी जरूरत नहीं है और नहीं इधर सब लोग घूम रहे हैं, क्षेत्र में घूम रहे हैं और हम लोगों को तो नेता बोले हैं कि जाइए गांव गवाई में गरीब गुरबा के बीच में जाइए, लोगों का दुख दर्द बांटिए और लोगों को संवाद कायम कीजिए और हम लोग को करने का जरूरत नहीं ना होता है। देखिए जो स्थिति बनी है बिहार के सब किसी पार्टी के MLA हो, तमाम MLA चिंता में चल रहे हैं कि अब क्या होगा, मेरा भविष्य क्या होगा और तमाम विधायकों का भविष्य तेजस्वी यादव से जुड़ा हुआ है और इसलिए हम लोग बुझ रहे हैं कि निश्चित तौर पर विधायकों का मान स्वाभिमान जागेगा और जो जिस तरीके से लोग विचारधारा का आदान प्रदान करते हैं निश्चित तौर पर कुछ न कुछ होगा। मतलब आपका कहना कि खुद ब खुद विधायक हमारा मीनार किसी से कमजोर नहीं है, बीच में ही हमारा राष्ट्रीय जनता दल का मीनार इतना ऊंचा है कि लोग जोर घटाव करके और क्या क्या हुआ था सो मालूम है आपको, कर करके हमारे मीनार को नीचा किया गया है, लेकिन आज हमारा मीनार उतना ऊंचाई पर जरूर है कि कोई अपने जब ढहेगा तो मेरा मीनार ही दिखाई देगा, दूसरा कोई दिखाई नहीं देगा। कितने विधायक आपके संपर्क में हैं? अच्छा, वो तो आने वाला समय, हम तो बोलते हैं ना, हम तो बोले ना कि हमारे नेता सिर्फ मुस्कुराते हुए खेल होने की बात कह दी तो तमाम आज के डेट में छात्र नौजवान बच्चे भी पूछ रहे हैं कि क्या खेला होगा, ये साबित करता है कि तेजस्वी जी का क्या ग्राफ है, तेजस्वी जी का क्या पहचान है लोगों के बीच में। जिस तरह से बोध गया में ट्रेनिंग की बात करके भाजपा विधायकों को ले जाया जाने का प्रोग्राम है, क्या कितने विधायक आपके संपर्क में है BJP के? देखिए अब हम लोग किसी के संपर्क उम्पर्क करना, हम लोग जोड़ने वाले लोग हैं, कोई अगर आएंगे तो हम अपनी पार्टी में जोड़ रहे हैं, कोई आएंगे तो उनका स्वागत है, तोड़ने का काम तो हमारी पार्टी कभी की नहीं है, ये सब तो काम करती नहीं है, हमारी पार्टी तो विचारधारा की पार्टी है। जदयू के कितने विधायक संपर्क में? अब हम बोले कि विधायकों को भी समझ में आ रही है और विधायक काफ़ी चिंतित है, बहुत सारे इष्ट मित्र विधायक है जो हम लोगों से बोलते हैं कि भैया आपका तो ठीक है लेकिन हम लोग अब कौन एजेंडा को लेकर के जाएंगे जनता के बीच में, संशय बना हुआ है। तो ऐसे बहुत सारे विधायक है जो चिंतन मनन कर रहे हैं कि हमको क्या करना चाहिए। आशा है कि मतलब उस दिन फ्लोर टेस्ट में नीतीश कुमार की सरकार गिर जाएगी। अब देखिए आगे आगे होता है क्या, फिर क्या करेंगे आप लोग? देखिए हम लोग तो जनता पर निर्भर है और हमारे नेता तेजस्वी यादव जी ने कहा है कि संघर्ष हम लोगों को करना है। अगर 12 तारीख को नीतीश की सरकार गिर जाती है तो क्या करें? देखिए किसकी क्या सरकार, लेकिन इतना मैं जरूर जानता हूँ कि बिहार के आम आवाम अब वीर तेजस्वी प्रसाद यादव को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाह रही है।
विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष अभी तक इस्तीफा नहीं दिए, उन पर भी अविश्वास। देखिए ये तो विधानसभा का जो अपना नियमावली है और नियमावली के तहत जो होगा वो की जाएगी। टूटे विधायकों की सदस्यता रद्द होगी। अब क्या होगा नहीं होगा उसका कार्य नियमावली है विधानसभा का, विधानसभा के कार्य नियमावली के अनुसार कार्रवाई होगी। फिर चुनाव में जाना चाहेंगे या? देखिए हम लोग तो हमेशा जनता के बीच में रहने का काम करते हैं, हम लोगों को किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या आपको नहीं लगता है कि आपकी पार्टी नीतीश कुमार के साथ जाकर गलती की? देखिए हम इस बात को महसूस, आज 17 साल बनाम 17 महीना, 17 महीना का ही मौका अगर हमको मिला है तो 17 महीना ने तेजस्वी यादव में जिन्हें 17 महीना में दिखाने का काम किया है कि सत्ता कैसे चलाई जाती है, बेरोजगारों को रोजगार कैसे दिया जाता है, कैसे गरीबों को स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार किया जाता है, स्वास्थ्य लाभ दिया जाता है, कैसे शिक्षा व्यवस्था सुधार होती है, इन तमाम चीज़ों को उन्होंने साबित करने का काम किया है। सुना है कि स्वास्थ्य विभाग में 3 लाख पद भरने के लिए, 3 लाख रिक्ति निकालने के लिए कैबिनेट में कई बार ले गए थे, लेकिन एक साजिश के तहत कि तेजस्वी यादव का ग्राफ और बढ़ न जाए, साजिश के तहत कैबिनेट में रोका गया है उसको। गई थी एकदम, उसमें भी 3 लाख लोगों को रोजगार मिलता और मेरा जो 10 लाख का जो लक्ष्य था, तेजस्वी यादव जी चाहते थे कि लोकसभा चुनाव से पहले हम 10 लाख बेरोजगारों को रोजगार दें, लेकिन एक साजिश के तहत रोका गया है। लेकिन वक्त ज़्यादा दूर नहीं है, बहुत जल्द बिहार के मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव बनेंगे और बेरोजगारों का जो अरमान रहा है वो अरमान पूरा होने का काम होगा। तो ये थे बिहार सरकार के पूर्व मंत्री सह कांटी के विधायक इसराइल मंसूरी साहब, जिन्होंने अभी अभी कहा कि खेला बाकी है, खेला होगा। इन्होंने स्पष्ट नहीं बताया कि कितने विधायकों के संपर्क में हैं या कितने विधायक इनके साथ आने वाले हैं, लेकिन इन्होंने यह जरूर कहा है कि विधायक भी चिंतन कर रहे हैं कि हमको क्या करना है, और इस तरह लगता है कि 12 फरवरी को खेला होगा। राजेश रंजन कैमरामैन विशाल के साथ, फर्स्ट लुक बिहार।